मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने लच्छेदार क्रिस्पी पुदीना पराठा रेस्टोरेंट स्टाइल। इसके लिए मैंने लिया एक कटोरी मैदा, आधी कटोरी पुदीने की पत्तियाँ काटने के बाद, आधा स्पून अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, आधा स्पून तिल्ली, आधा स्पून जीरा, आधा स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ चिल्ली फ्लेक्स, दो हरी मिर्च, उसके बाद तेल। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें डाला एक कटोरी मैदा। आप यहाँ पे गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आधी कटोरी पुदीना, फिर उसके बाद बारी बारी से सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। अभी मैंने डाला है जीरा, जीरा के बाद अजवाइन, उसके बाद तिल्ली, चिल्ली फ्लेक्स, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, हरी मिर्च आप टेस्ट अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद चार स्पून तेल डाल के मैं इसको अच्छे से पहले विस्कर से मिलाऊंगी, उसके बाद हाथ से अच्छे से मिक्स करूंगी। विस्कर से उतने अच्छे से नहीं होगा, हाथ से बहुत अच्छे से होगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका एकदम अच्छे से आटा गूंथ लूंगी। जब आटा गूंथना हो जाएगा उसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल लगा के इसको 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए रख दूंगी। तब तक हमारा आटा सेट हो जाएगा। आधा घंटा हो गया, आटा सेट हो गया, अब मैं इसकी लोइयां बना लूंगी। मैंने इसकी चार लोइयां बना दी, एक कटोरी में चार पराठे बन जाएंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ चावल का आटा। चावल का आटे से हम लोग पराठे बनाने से उसके बीच में जो परत होता है वो एकदम अलग अलग होगा और बहुत अच्छे से बनेगा। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो या गेहूँ का आटा भी, बट चावल का आटा ट्राई करके देखना। चावल के आटे से लेयर बहुत अच्छे से बनते हैं। अब इसको आप जितना पतला बना सकते हो उतना पतला रोटी बेल लेना। रोटी को किनारे से, बीच से, सब जगह से एक जैसा रहना चाहिए और थोड़ा थोड़ा चावल का आटा लगा के इसको पतला बनाना है। अब मैं इस पर लगा रही हूँ तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा लगाना है, तेल ज़्यादा रहेगा और चावल का आटा सफिशिएंट रहेगा तभी लेयर बहुत अच्छे से बनेंगे। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चावल का आटा। डाल के चावल का आटा अच्छे से फैलाना है, फैला के इसको फोल्ड करना है, जैसे कि मैं वीडियो में आपके दिखा रही हूँ। पहले मैंने एक फोल्ड किया है, फिर उसके बाद मैं एक और फोल्ड कर रही हूँ, फिर एक और फोल्ड। ऐसे ही करते करते हमें पूरे रोटी को फोल्ड करना है। फोल्ड करके फिर उसका मैं गोल बनाऊंगी। अच्छे से प्रेस करना है ताकि आपस में ये चिपक जाए। फिर उसके बाद मैं इसको राउंड गोल बना रही हूँ। गोल बना के इसको अभी मैं थोड़ा सा प्रेस करके अब मैं इसको बनाऊंगी पराठा। पराठा ना ही ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हमें इसको ऊपर नीचे चावल का आटा लगाते हुए फैलना है। चावल का आटा लगाने से ये जो लेयर है वो एकदम अच्छे से आती है। और अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हो ये पराठा, तो आप सादा पराठा बनाना। ब्रेकफास्ट के लिए बना रहे हो तो ऐसे लच्छेदार पराठा, ऐसे लेयर वाला पराठा बनाना। अब मैं तवा गर्म होने रखी हूँ। तवा जैसे गर्म हो गया मैंने इसके ऊपर पराठा डाल दिया। पराठा डाल के पहले मैंने ऑयल नहीं लगाया, पहले मैं दोनों साइड थोड़ा सा सेक रही हूँ। थोड़ा सा जब सिक जाएगा दोनों साइड, उसके बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी ऑयल। ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है। मीट पुदीना हमने डाला इसलिए ये बहुत हेल्दी हो गया है। अभी मैंने डाला है थोड़ा सा ऑयल, फिर इसको पलट के मैं थोड़ा सा और ऑयल डालूंगी। ऐसे आगे पीछे पलटते हुए हमें मीडियम फ्लेम पे इसको सेकना है। फ्लेम ना हाई होना चाहिए ना ही लो होना चाहिए। तब तक सेकना है जब तक कि ये पूरी तरह सिक ना जाए या इसके पूरे लेयर या परत दिखाई ना दे। ये पराठा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर किसी में भी अच्छा लगता है। इसके साथ कोई भी सब्जी हो, चाहे आलू हो, छोले हो, पनीर की सब्जी हो, या दही या अचार, सबके साथ बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने ये पराठा दही के साथ सर्व किया है। अब आप देख सकते हैं पराठा बन गया, इसमें काफ़ी ज़्यादा लेयर भी दिखा रहे हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। अब मैं इसको ठंडा होने के बाद क्रश करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने हल्के हाथ से इसको क्रश किया है। क्रश करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे लेयर बन गए हैं और साथ में ये बहुत टेस्टी भी है। तो आप भी इसे बनाइए और बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।